हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टेक्नो की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, पेज लेआउट ऑप्शन में पेज सेटअप, कि आप यहां से पेज को कैसे अरेंजमेंट करते हो, तो वो आज यहां से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने अपना मैटर टाइप कर लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है टॉपिक, सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जगह छोड़ना, जो हम लेफ्ट राइट और सेंटर में क्या करते हैं, इंसर्ट। अब आप जिस हिसाब से लोगे उसी हिसाब से आपको क्या करेगा, पेज तोड़कर दिखाएगा, ठीक है ना। जिस भी टॉपिक में आप करोगे उसी टॉपिक में आपका मैटर क्या करेगा, चेंजमेंट होकर दिखाएगा, ठीक है। आप यहाँ से जिस हिसाब से डालोगे। अब यहाँ से आप कस्टम मार्जिन पे चले जाते हैं। कस्टम मार्जिन में क्या होता है कि भाई टॉप में आपने जितना भी मार्जिन लिया है, यहाँ पर प्रूव करके दिखाएगा कि आपने कितना मार्जिन यहाँ से टॉप में लिया है, कितना लेफ्ट में, ठीक है। देखो कम हुआ ना। एग्जिट करेंगे, नॉर्मल कर लेते हैं इसको कि भाई आपने कितना लेना है यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको जितना चाहो उतना मार्जिन यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे ही हम बॉटम नीचे की तरफ से मार्जिन दे सकते हैं। ऐसे ही हम राइट राइट से भी क्या कर लेंगे, मार्जिन दे लेंगे जितना आपने चाहता हो। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या दिखाता है, पेज को अपने हिसाब से लंबाई एंड चौड़ाई में कर सकते हो। नॉर्मल पेज में डालना है तो यहाँ से आप नॉर्मल में भी क्या कर सकते हो, उसको एग्जिट कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्या आएगा, पेज बनकर आएगा। यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं दोबारा। ऑर्गेनाइजेशंस में पेज लंबाई एंड चौड़ाई आप पर डिपेंड करेगा कि आपका मैटर किस टाइप का है। यहीं से हम शीट का साइज डिसाइड करेंगे। फिलहाल हमारा लेटर का ही साइज होता है। यहाँ से आपको जिस भी A3 में लेना है, A3, A4, जिस टॉपिक में भी आपको अपनी शीट का साइज लेना है यहाँ से लेते। मोर पेपर साइज में भी आप यहाँ से लेटर लेना है या कुछ भी लेना है, टेबुलर लेना है, लेवल लेना है A3 A4, तो यहाँ से भी आप सीधा इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखो, जैसे मैंने दो किया तो यहाँ पर पार्टीशन हो गया, दो कॉलम्स आ गए हमारे। तीन करेंगे तो तीन कॉलम टुकड़े हो जाएंगे। लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड कॉलम तोड़ देगा, राइट करोगे तो राइट साइड। यहीं से आप क्या करेंगे, पहले 3 ले लेते हैं, मोर कॉलम्स जानकारी लेते हैं कि कितने। तो फिलहाल जब आप विंडो खोलोगे तो मैक्सिमम आपको 13 दिखाएगा। ओके करेंगे तो 13 के तारे इंसर्ट हो जाएंगे। 3 करेंगे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम कितने ले रखे, फिलहाल तो क्या दिखा रहा है, 13। मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू डाल देती हूँ ऐसे, और जैसे ही ओके करते हैं तो हमें एक मैसेज आता है, द नंबर मस्ट टू बी 1 to 45। बोला आप 45 तक मैक्सिमम इसमें क्या ले सकते हो, कॉलम की संख्याएं ले सकते हो कि आप यहाँ से क्या करना चाहते हो। ओके है। अब क्या कहता है, ब्रेक। ब्रेक मतलब आपने तोड़ना है आपका मैटर के, कहाँ से कितना मैटर यहाँ से आप तोड़ सकते हो। कॉलम लेने के बाद मैंने यहाँ पर पेन के बाद कर्सर रखा, ब्रेक में जाते हैं सबसे पहले क्या किया, पेज ब्रेक। तो कैन के बाद का मैटर क्या कर दिया इसने, नीचे इंसर्ट कर दिया। अगला क्या कह रहा है, इसी में ही कर लेते हैं कॉलम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में हमारा मटेरियल क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। फिर आगे एग्जिट करते टैक्स वाइपिंग, तोड़ के नीचे कर देता है। मतलब जहां पर भी आपने पॉइंटर रखा है उसको क्या कर देगा, नीचे तोड़ के डाल देगा। ऐसे यहाँ ब्रेक में आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, इवन और कंटिन्यू पेज पर भी वहां से आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, लाइन नंबर के कंटिन्यू पेज में आप लाइन नंबर कैसे इंसर्ट करते हो। तो यहीं से जाके हम क्या करेंगे, अभी नन में बंद है, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कंटिन्यू चल रहा है हमारा सीरियल, कर्सर रख देते हैं। अगला क्या कह रहा है, रीसेट ईच पेज, मतलब हर एक पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्टिंग से दिखाए आपको, पर पेजेस 1 से ही क्या हो, काउंटिंग हो, ठीक है। रीसेंट ईच सिलेक्शन मतलब जहां पर भी आपने पॉइंटर डाला है, मान लो मैंने यहीं से 30 के बाद डाल दिया और यहीं से जाके ईच सिलेक्शन में डाल दिया, तो ये क्या कर देगा, वहीं से क्या कर देगा, नॉर्मल फिर से स्टार्टअप करके वही कंटिन्यू डाल देगा।
उसी चीज को क्या करेगा, मैंने यहाँ पर डाला 128 पर, यहीं पर ही क्लिक करके क्या करेंगे, करंट पहरा करा, मतलब काउंटिंग हट जाएगी आपकी और उस पूरे पहरे में कन्वर्ट कर देगा। अपने हिसाब से भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो, न्यू पेज ओड इवन में लेना है या नहीं। अगर यहाँ से हम पेज नंबर को एग्जिट करते हैं, नन गायब हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है यहाँ पर डैश। अगर मैं ऑटोमेटिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कई लेटर्स के बाद यहाँ पर डैश लग गया छोटा सा, है ना। फिर इसी के बाद यहाँ जाते हैं मैनुअल में करते हैं। मैनुअल मतलब एक एक लेटर्स को उठाएगा अपने आप कि कहाँ कहाँ ये आपने डैश को इंसर्ट किया। उसके बाद दोबारा चलते हैं ऑप्शन में। डैश का साइज दे रखा है, लिमिट दे रखा है, भाई आपने एक पेज में करना है, दो में करना है, तीन में। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जितने आपने शीट में यहाँ पर इंसर्ट कर रखे हैं उन सभी पर क्या लगे, ये ऑप्शन लगे। आई होप आपको पेज सेटअप टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।